सुबह 7 बजे लालबाग के राजा का विसर्जन हुआ। इससे पहले मुंबई की सड़कों पर लालबाग के राजा का शाही अंदाज 23 घंटों तक दिखा। जहां जहां से लालबाग के राजा गुजरे वहां वहां हजारों नम आंखें पलके बिछाए उतर गई। ट्रैफिक ठहर गया, सड़कों पर जनसैलाब उमड़ गया, मुंबई रुक गई। बप्पा से बस एक विनती गणेश भक्त कर रहे थे, गणपति बप्पा मोरिया पुरुषा वर्षी लव करिया। हजारों की तादाद में सड़कों पर जमा श्रद्धालु बस एक घोष कर रहे थे, बप्पा चलले गावाला चैन पड़े ना हमाला, यानी गणपति बप्पा मोरिया अगले साल जल्दिया। बप्पा अपने गांव चले, चैन ना हमें पड़े। इसके बाद मुंबई के गिरगांव चौपाटी तक मन्नतें पूरी करने वाले लालबाग के राजा का शाही जुलूस पहुंचा। पहले से ही वहां हजारों की तादाद में बप्पा के भक्त इंतजार में खड़े थे। सुबह नाव की सहायता से लालबाग के राजा की मानवंदना की गई, विशेष सजावट की गई। इसके बाद थर्ड वाट से बप्पा समुद्र की ओर रवाना हो गए। समुद्र की गहराई में लालबाग के राजा की मूर्ति विसर्जित की गई। बप्पा साकार से निराकार हो रहे थे, भक्त विदाई देते वक्त रो रहे थे। लालबाग के राजा गए, हृदय में रह गए।